ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो आप सब का स्वागत है खबरों के सिलसिले को तोड़ दिया गए तो हम गल करते हैं जलंधर के विच लतीफ होए लतीफपुरा पीड़ितों का गल करते हैं जिथे सरकार खिलाफ उन्होंने वालों मोर्चा खोल दिया गया। जी हाँ, जलंधर के लतीफपुरा पीड़ितों के वालों सरकार खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। नवे साल के पहले ही दिन पीएपी चौंक के धरना लगा दिया गया। इंसाफ के लिए तिखा संघर्ष लड़न का ऐलान किया गया। दोपहर 2 बजे तक आवाजाही बंद की गई है। अदालती हुक्मों उत्ते टाए गए पीड़ितों के घर सन, जिस तों बाद ये लोग नीले अंबर हेठां सौण नूं मजबूर हो चुके हैं। बेहद ज़्यादा माड़ी जिंदगी जी रहे हैं। जलंधर के लतीफपुरा दा विच इन्हां पीड़ितों का हाल जानने लई समय समय से लोग भी पहुंचे, आगू भी पहुंचे, केंद्रीय राज मंत्री सोम प्रकाश के कई होर आगू भी पहुंचे सन, भाजपा आगू भी पहुंचे सन, पर हालात ये बने हुए ने कि बावजूद इस दे निहड ठारवी ठंड के विच भी बेहद माड़ी जिंदगी जीने बतूर बतीत हैं। जलंधर के लतीफपुरा पीड़ितों के वालों सरकार खिलाफ हुण मोर्चा खोल दिया गया है। नवे साल के पहले ही दिन उन्होंने वालों पीएपी चौंक उत्ते धरना लगाया गया। ऐलान किया गया है कि धरना दोपहर 2 बजे तक जारी रहेगा। हालांकि इस करके आम लोगों को बेहद ज़्यादा खज्जल खुआरी परेशानियों का सामना जरूर करना पिया है, क्योंकि खास तौर पर नवे साल मौके लोग एक जगह तो दूसरे जगह या फिर एक शहर तो दूसरे शहर बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो इस करके लोगों भी जरूर औकड़ों का सामना करना पड़ेगा। इंसाफ के लिए संघर्ष इन्हों के वालों तिखा करने का ऐलान एक बार फिर तो कर दिया गया है। पत्रस बने हुए ने साडे नाल इस खबर से उन्हों का रुख कर लें। पत्रस, वाकई इन्होंने लोगों तो सरकार ने यतीम ही कर दिता है। लतीफपुरा का हाल जो उन्होंने समय समय तो आगू तो पहुंचे ने, पर इन्हों की मुश्किल का हाल नहीं किया गया। तस्वीर देखनिया चाहवागे, अगर नाल इन्होंने नाल गलबात संभव हो पावे तो जरूर करना। बिल्कुल काफी देखो, पूरा दुनिया जी अज नवे साल का दिन मना रही है। वक् वक् लोगों के वालों अपने जो गुरुधाम है उन्होंने जाके गुरु साहब के नतमस्तक होया जा रहा है। नवे साल का आगाज गुरु साहब का ओट आसरा लेके किया जा रहा है। पर लतीफपुरा के वसनीक जेडे 9 दिसंबर तो खुले असमान हेठा जिंदगी बसर करने वास्ते मजबूर हुए पे ने, उन्होंने वालों जलंधर जरा कौमी शाहरा मार्ग है उस कौमी शाहरा मार्ग के उत्ते सड़क के उत्ते आके धरना दिता जा रहा है, क्योंकि ये लोग आख रहे ने कि सरकार दे वलों इन्हां दी सारनी नहीं जा रही। पहला तो इन्हां नूं करोड़े घर कर दिता गया और उस तो बाद सरकार दे किसे नुमाइंदे ने आके इन्हां दी बात नहीं पुछी। प्रशासन दे वलों मीटिंगां इन्हां दे नाल कुछ जरूर होईयां ने। ये आख रहे ने कि सानूं प्रशासन दे वलों मिठियां गोलियां दित्तियां जा रहियां ने, साडा कोई स्थाई हल नहीं कढ़िया जा रहा। ये आख रहे ने कि साडी जिहड़ी मुड़ वसेबा आ साडा मुड़ वसेबा उस जगह दे उत्ते कीता जावे जिथे साडे पहले घर जिहड़े आ उह वसे होए सन। तां इसे मंग नूं लै के लतीफपुरा दे वसनीकां दे वलों लगातार संघर्ष किया जा रहा है। एक कमेटी भी इन्होंने वालों गठित की गई है, लतीफपुरा मुड़ वसेबा कमेटी, और उस कमेटी के झंडे हेठ अज लतीफपुरा के वसनीक और वख-वख जिहड़ियां जथेबंदियां हैगियां ने उन्होंने नुमाइंदे लतीफपुरा के वसनीकों के नाल सड़कों के उत्ते उतरे ने और पंजाब सरकार के खिलाफ भड़ास कढ़ी जा रही है। पंजाब सरकार के खिलाफ गुस्से का मुजहरा किया जा रहा है कि आम आदमी की सरकार कहाउण वाली पंजाब सरकार किस कदर लोगों सड़कों के उत्ते लोड़ रही है। ये तकरीर की जा रही ने नवे साल वाले दिन लोगों के वालों आख्या जा रहा कि असं मजबूर होकर इस जगह उत्ते बैठे हाँ। साडा दिल नहीं करता कि असं जो लोग नवे साल वाले दिन आपो अपने मंजिलों वाल जा रहे हैं उन्होंने राह रोकीए, पर इतने मजबूर होकर सानू सड़क के उत्ते बैठना पै रहा। तो 12 बजे तो लैके 2 बजे तक इस तरीके नाल यह हाईवे जाम रहने वाला है। अपने दर्शकों को दस दिए जो इस पास आना चाहते हैं, खास तौर पर वह लोग जो इस हाईवे तो होकर श्री दरबार साहब वालू जाना चाहते हैं, उन्होंने वास्ते सुनेहा कि यह जो मार्ग है 2 बजे तक बंद है। बदले रूट राही तुसी अपनी मंजिल का रस्ता इख्तियार कर सकते हो। 2 बजे तो बाद यह मार्ग खुलेगा और तद तक लतीफपुरा के वसनीकों के वालों पंजाब सरकार के खिलाफ जम के भड़ास कढ़ी जा रही है, जम के पंजाब सरकार के खिलाफ अपने गुस्से का प्रगटावा किया जा रहा है। जी काफी जी, वाकई वाकई बकायदा पत्रस जिमें इतने कई आगू पहुंचे तो उन्होंने वालों भरोसा जरूर दवाया गया, पर यतीम जरूर इतों के लोगों कर दिया गया है। अगर इन्होंने लोगों के नाल गलबात जरूर संभव हो सके तो करना। बिल्कुल काफी हाले क्योंकि धरना शुरू होया जो कुछ लोग ने जो मुख बुलारे ने वो स्टेज के उत्ते संबोधन कर रहे हैं और हौली हौली जिवें समा बधेगा जो लतीफपुरा के वसनीक ने वह भी इतने पहुंचे, उन्होंने नाल भी असीं जरूर गलबात करांगे। पर तस्वीर जिहड़ी हैगी है इत्थों दे जिहड़े लोग ने ठंड दे विच आके सड़कां दे उत्ते बैठे ने, खास तौर पर महिलावां दे नाल जरूर असीं बीबियां दे नाल गलबात करांगे, क्योंकि घरां दे नाल बीबियां का बहुत ज्यादा मोह हुंदा और पिछले दिनों के दौरान जो घर के उत्ते एक्शन होया असीं वेख्या कि किवें बीबियां रोंदियां करलाउंदियां भी नजर आईयां और सरकार के अगे प्रशासनिक अधिकारियों के अगे हाड़े कढ़दियां भी नजर आईयां, पर इन्हां दियां अपीलां दा इन्हां दियां
ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨੋਂ ਬਦਤਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਲੋਕ, 1947 ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਅਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਬਦਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਗੋਂ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਪਿੰਡ ਵਰਗੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਿਓ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ? ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਤਰਸ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੀਏਪੀ ਚੌਂਕ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।